गुलेरिया थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि सोमवार की सुबह गुलेरिया पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की लाश गांव के किनारे पर पड़ी हुई है। पुलिस ने तफ्तीश की तो जानकारी मिली कि उसकी हत्या उसके गाँव के बगल के जाने वाले उसी के प्रेमी रजनीश ने की है। महिला का रजनीश से अवैध संबंध था और वह उससे ब्लैकमेल भी करती थी, जिसको देखते हुए रजनीश ने अपने साथी के साथ उसकी हत्या कर दी। गिरफ्तार अभियुक्तों में रजनीश पहाड़ी पुत्र विशंभर निषाद निवासी रामपुर बुजुर्ग थाना गुलेरिया तथा रामू पुत्र रामानंद निषाद निवासी कर्मा खुर्द थाना गुलेरिया जिला शामिल है, जिसको संबंधित धाराओं में पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, दिनांक 5/7/21 को थाना गुलेरिया को ये सूचना मिली कि एक महिला का शव चक मोहम्मदपुर खान में पड़ा हुआ है। थानाध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे, जांच पड़ताल की और 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया। जानकारी करने पर पता चला कि उक्त महिला के उसी गांव के पड़ोस के गांव के रजनीश निषाद से संबंध थे और उन संबंधों को लेकर पत्नी आपत्ति करती थी। ये मृतका रजनीश निषाद को इस संबंध में ब्लैकमेल भी करती थी। इसी से परेशान होकर रजनीश निषाद और उसके साथी रामू ने उक्त महिला की हत्या कर दी। उक्त घटना का खुलासा 24 घंटे के अंदर थाना गुलेरिया पुलिस द्वारा कर लिया गया और अब दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।